नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दादी माँ के 18 घरेलू नुस्खे जो आपके बहुत काम आएंगे। महिलाएं समय निकालकर जरूर सुने। नंबर एक, रोजाना रात को नींद पूरी ना होने से चेहरे की चमक कम हो जाती है और चेहरा मुरझा जाता है। नंबर दो, सेब का सेवन करने से रात को बार बार पेशाब आने की परेशानी दूर हो जाती है। नंबर तीन, सौंफ का सेवन करने से मुंह की बदबू दूर हो जाती है। नंबर चार, जिन लोगों को कब्ज की परेशानी रहती हो वो रोजाना रात को सोने से पहले हल्का गर्म दूध पिया करें। नंबर पाँच, जोड़ों के दर्द को दूर करने के लिए आप एक चम्मच अजवाइन और घिसा हुआ अदरक एक गिलास पानी में अच्छे से उबाल लें, फिर आप इसे स्वाद के लिए शहद मिलाकर चाय की तरह पिएं। आप इसको सुबह और रात में सोने से पहले पी लें। ये दोनों ही चीजें जोड़ों के दर्द और सूजन को दूर करने में मदद करती हैं। नंबर छः, रोजाना सूजी का सेवन करने से हार्ट अटैक का खतरा कम रहता है। नंबर सात, कई बार एड़ियों में इतना दर्द होता है कि चलने में भी कठिनाई होती है। ऐसे में आप 50 ml सरसों के तेल में आधा चम्मच हल्दी, 3-4 कली लहसुन, थोड़ा सा नमक डालकर पका लें। इस तेल को छानकर हल्का गुनगुना करके सोते समय मालिश करें, इससे दर्द में बहुत आराम मिलता है। नंबर आठ, सर्दियों में बच्चों की सेहत के लिए तुलसी के 4 पत्ते पीसकर 50 ग्राम पानी में मिलाकर सुबह के समय पिलाने से बच्चों को सर्दी नहीं लगेगी। नंबर नौ, पैरों में दर्द होने पर सूरजमुखी के तेल से मालिश करने से दर्द में आराम मिलता है। नंबर दस, शाम के समय मीठा नहीं खाना चाहिए बल्कि कोई कड़वी चीज खाना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। नंबर ग्यारह, जिन बच्चों का वजन नहीं बढ़ रहा है उन्हें दलिया खिलाया करें, इससे वजन काफी तेजी से बढ़ने लगता है। नंबर बारह, जिन औरतों की उम्र 40 से 45 के बीच में है उन्हें चुकंदर ज्यादा खाना चाहिए। नंबर 13, कुमार की काली मिट्टी में देसी घी मिलाकर सूजन वाली जगह पर लगाने से सूजन खत्म हो जाती है। नंबर 14, काली किशमिश किडनी की पथरी होने से रोकती है, इसलिए काली किशमिश का सेवन जरूर करना चाहिए। नंबर 15, चुकंदर के पत्तों को उबालकर उस पानी से सिर धोने से सर की खुश्की दूर हो जाती है। नंबर 16, जो औरतें दूध में मखाना उबालकर पीती हैं तो उन्हें कमर दर्द, घुटनों के दर्द और बदन दर्द में आराम मिलता है, साथ ही कैल्शियम पूरा करने में भी मदद मिलती है। नंबर 17, खाली पेट सौंफ का पानी पीने से वजन बहुत तेजी से कम होता है। नंबर 18, अगर आप भी खर्राटे की समस्या से परेशान हैं तो रात को सोने से पहले गुनगुना पानी पी लें, ऐसा करने से सांस की नली की सफाई हो जाती है जिससे खर्राटे आने में आराम मिलता है। इस वीडियो का मकसद सिर्फ जानकारी देना है। स्वास्थ्य से जुड़ी सलाह या जांच के लिए किसी पेशेवर डॉक्टर से बात करें। उम्मीद है आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें मेरे साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।